बैक टू सुबसवर पाकिस्तान। और अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लेकिन हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते। हम लोगों को एक जिस तरह कहते हैं कि आप असाबी कमज़ोरी हो जाती है, तो लोग जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि जी ये तो चीज़ें होती नहीं है ऐसे ही, मतलब ये तो ऐम बेवकूफ़ है। असाब हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा है, मगर हम देखें कि मुआशी तफरुकात हैं, बेयकीनी की कैफियत है, कोई मुल्की हालात से ही आप परेशान हो जाते हैं, फिर आपको जॉब की टेंशन है और टेंशन्स हैं, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, अपने नौकरी की टेंशन, जो भी मामला कर लिया जाए, अच्छा अब शादी की भी टेंशन होती है, ठीक है। और हम सबको असाबी मरीज इन चीज़ों ने बना दिया है, और अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें कोई स्ट्रेस है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी कि मुझे पेन हो रही है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे पट्ठे जो हैं वो गाउन में खिंचा हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं आपको तो कोई स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। हम सोचते भी हैं तो हमें पता नहीं चलता। जो दादो शुमार बताते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की 95% जो आबादी है दरअसल असाबी कमज़ोरी का शिकार है, और असाबी कमज़ोरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का असाबी निज़ाम जो है वो मुतासर होता है, और उसकी अलामत जो हैं वो इंसान के आज़ा दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। आसाब हम देखें हराम मगज़ की हम बात कर रहे होते हैं, उससे जुड़े होते हैं, वो निज़ाम है जो पूरे जिस्म के तमाम तरफ़ाल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। और दिमागी काम बहुत ज़्यादा करना, गम के असरात ले लें, लंबी बीमारी देख लें, हद से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत ना करें। कोविड की हम बात करें, जैसे कोविड में कह रहे थे ना कि कोविड में जब जिस लोगों को कोविड हो रहा होता है तो फिर वो जो काफ़ी ज़्यादा वो क्योंकि स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो भी फिर उसके बाद बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ये चीज़ें उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, एक तो है कि बिल्कुल जिस्मानी मेहनत ना करना, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करना और फिर आराम कम करना, ये बुनियादी कुछ वजूहत हैं जो हमें समझ आती हैं। डॉक्टर्स को, माहरीन को क्या समझ आती हैं, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, असाबी कमज़ोरी है क्या, पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जी देखिए, असाबी कमज़ोरी किसी भी ऐसी कंडीशन को कह सकते हैं जिसमें आपके असाब जो हैं वो एक नॉर्मल हद से ज़रा कम काम करते हैं, उनमें जैसे मसल में वीकनेसेस हो जाना, पेन स्टार्ट हो जाना, और इसके अलावा हार्ट पल्पिटेशन वगैरह, ये सारी असाबी कमज़ोरी की तरफ इशारा करती हैं। अब इसमें जो असाबी कमज़ोरी है ये किसी इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो इसकी वजह है ये किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से, मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो जाती हैं, लेकिन ना ये बहुत कम है। मेडिकल कंडीशन की वजह से असाबी कमज़ोरी का होना ये बहुत कम है, इतना आम नहीं है। आम जो है, जो अभी आपने जिक्र किया कि अराउंड 95% लोगों को जो असाबी कमज़ोरी है ये स्ट्रेस की वजह से है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक टेंशन है। अब स्ट्रेस क्या है कि जब एक ख़ास लेवल से हमारी टेंशन लेवल ज़्यादा हो जाती है ना, उसको हम स्ट्रेस कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। और ये जैसे आप बता रहे थे कि लोगों को पता नहीं है, इसका यकीनी तौर पर नहीं पता, लेकिन स्ट्रेस शायद अगर ये असाबी कमज़ोरी 95% में, तो शायद स्ट्रेस जो है आजकल के माशरे में वो 99% को होगी। और ये स्ट्रेस को हम अच्छा, ये जो 95% में ज़्यादातर लोग हैं असाबी कमज़ोरी, ये स्ट्रेस की वजह से है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने से हमारे असाब कमज़ोर हो जाते हैं, अच्छा, अगर एक हद से ज़्यादा हम स्ट्रेस लें। अब जो समझने की इसमें बात है कि स्ट्रेस है क्या। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ जी, बेसिकली देखिए, स्ट्रेस कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप डेडलाइन मीट करना, वो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। जैसे आमतौर पे देखेंगे, अगर हमें 5 days अ वीक काम करना होता है, तो वो हम शाम रात को ही प्रिपेयर होते हैं, मेंटली प्रीऑक्यूपाइड होते हैं, अच्छा सुबह मैंने काम पे जाना है, और जो भी हम डेडलाइन मीट करनी है, पहला दिन भी स्ट्रेस क्रिएट करता है लोगों में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो वीकेंड के बाद जाना होता है ना, तो वीकेंड से पहले वाले दिन या वीकेंड पे हम कदरे रिलैक्स होते हैं। क्यों? वजह यह है कि कोई स्ट्रेस नहीं है ना काम की, कि काम पे जाना है। इसी तरह से आप देखिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, बच्चों की टेंशन अगर कोई पेरेंट्स हैं, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल रोल्स आपके, फिर रोल्स का कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, और फिर आजकल के माशरे में आपको पता है इतना नफसा नफसी का दौर है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। हम जो अपने ज़िंदगी के मसाइल में इतना उलझे हुए हैं कि उनको पूरा करते करते हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, ये आजकल एक स्ट्रेस की, यही पता लग रहा होता कि हमें स्ट्रेस है भी जी, नहीं। और ये एक स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह है। तो ये जो जितनी भी असाबी कमज़ोरी में सिम्टम्स हैं, ये बेसिकली एट द सेम टाइम ये स्ट्रेस की सिम्टम। डॉक्टर साहब, एक और बात होती है, आमतौर पर किसी बंदे से बात करें ना, वो ज़्यादा परेशान हो तो वो कहते हैं यार मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा,
स्ट्रेस एक वजह बनती है उसकी, या स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है? स्ट्रेस सबसे बड़ी वजह है, और ये मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेस ना सिर्फ असाबी कमजोरी की बल्कि दुनिया में जितनी भी ज्यादा बीमारियां ना उसमें सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। अभी आपने ये कोविड का जिक्र किया, तो कोविड भी स्ट्रेस इसकी इस तरह से एक वजह बन जाती है कि इम्यून सिस्टम को बिठा देती है स्ट्रेस, तो आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कोविड का शिकार होने के लिए। तो ये जो स्ट्रेस है, ये डायबिटीज आजकल आप देखिए कितनी ज्यादा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, ये जो हार्ट वगैरह के मसले, ये स्ट्रेस की वजह से है सबसे ज्यादा ये मसाइल जी, इसमें स्ट्रेस एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अब जितनी भी असाबी कमजोरी की सिम्टम्स हैं ये स्ट्रेस की भी सिम्टम है। अब इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आप देखें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको ऑब्जर्व करना, कि अगर एक शख्स अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है उसको कोई वक्ती तौर पर कोई परेशानी नहीं है, तो आप देखें कि उसका जो बॉडी है वो ठीक तरह से इफेक्टिव होगी, काम करेगी जो भी वो काम करना चाह रहा है। लेकिन अगर किसी दिन हमें कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो उसके आप असरात अपनी बॉडी पे भी देख सकते हैं। काम करने को दिल नहीं करेगा, चिड़चिड़ा मूड हो जाएगा, हार्ट पाउंडरिंग या हार्ट ज्यादा उसकी जो है हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये उसका स्ट्रेस वाला दिन है। तो आप देखें कि स्ट्रेस इस तरह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस इतना इफेक्ट तो करती है, लेकिन इसको सीरियस लेना कब मतलब इंसान को होता है, कौन सा टाइम ऐसा आता है कि इंसान को वो चाहिए कि अब ये सीरियस चीज़ है, अब मुझे डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? देखिए इसमें इसका जो सिंपल फार्मूला ये है कि जब तक तो आप अपनी स्ट्रेस को खुद कोप कर सकते हैं, कर रहे हैं, तब तक तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते, आप कहते हैं कि नहीं अब मुझे कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, उसमें फिर लोगों पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं वो जरा स्ट्रेस को ज्यादा कोप कर लेते हैं, कुछ लोग जरा जल्दी अपने जरा ज़हनी तौर पे हथियार फेंक देते हैं। तो इसके लिए एक ये फार्मूला है कि जब कोई शख्स समझे कि अब ये मुझसे नहीं कंट्रोल हो रही और स्ट्रेस जो है वो मेरी एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है कि मैं लोगों से उसके झगड़े हो रहे हैं, वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, बगैर वजह के चिड़चिड़ा हो गया है, उसको कोई मूड प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या फिर उसमें कोई काम करने में दिल नहीं लग रहा, अगर काम करने में दिल लग रहा है तो थकावट हो रही है, बगैर वजह के थकावट हो रही है, तो जब ऐसी सिम्टम्स आ जाए तब हम ये कहते हैं कि ये रेड लाइन है, अब इंसान अपने आप को खुद नहीं स्ट्रेस को कोप कर रहा। डॉक्टर साहब हमारे साथ कोई स्टडीज शेयर कीजिए या रिसर्च जो आपने देखी हो, जिस जो हुई हो, नौजवानों के अंदर इस वक्त क्या शरह चल रही है जो स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं, और क्या बूढ़ों से ज़्यादा नौजवान हैं जो स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं, कोई ऐसी स्टडी भी है? जी बिल्कुल, इसमें एक नहीं इसमें बीसियों स्टडीज़ हैं जो कि बताती हैं कि नौजवानों में ज़्यादा स्ट्रेस है बूढ़ों से। उसमें एक फैक्टर ये लाइफस्टाइल का फैक्टर है ना जी, अब जो बूढ़े लोग हैं वो तो अपनी ज़्यादातर लाइफ गुजार चुके, उन्होंने जो लाइफ में करना था वो कर चुके, उन पर अभी इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं, उनकी लाइफ एक सेटल होगी। नौजवानों का आजकल ये है कि एक हमारी हाँ जी बिल्कुल दौड़ लगी हुई है बिल्कुल, और उसके बाद फिर हमने दौड़ के साथ साथ फिर हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं। अब ये जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना हमारा नौजवानों में, तो फिर ये ज्यादा जो है स्ट्रेस नौजवानों में हो जाती है, और अराउंड 99% जो लोग हैं नौजवान उनमें भी स्ट्रेस है, लेकिन उनमें ऑब्वियसली जो लेवल है वो बूढ़ों से ज्यादा है, हालांकि उलट होना चाहिए, ये इट मस्ट बी अदर वे अराउंड कि अभी नौजवान है, अगर नौजवानी में तो स्ट्रेस होनी नहीं चाहिए, वो तो आपकी एक बॉडी एनर्जी और आपकी जो एक नौजवानी की एक टाइम है पीक है उसमें ही बड़ा कुछ आप अच्छा, कर लेते। एक और मसला भी है, हम अपने तौर पर ही कुछ लोगों को मैंने भी देखा है, आप भी ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास तो आते भी होंगे, हम सब देखते हैं कि माइंड रिलैक्सेंट जो वो हैं मेडिसिन हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, खुद से ही लेना शुरू कर देते हैं कि हमें सुकून चाहिए, उसके लिए हमें कोई गोली खा लेनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है? इवन नींद नहीं आ रही होती, सोने के लिए भी हम गोली खुद से खाना शुरू करते थे। जी इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो खुद से तो कभी कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए, अब दूसरी बात है कि क्या ये मेडिसिन ये जैसे नींद की है या दूसरी ये लेनी भी चाहिए कि नहीं। अच्छा ये ना एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे ले सकते हैं कि जब कोई आपका मसला है क्लिनिकल हद तक ही एस्केलेट कर गया। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे 99% लोगों को स्ट्रेस है, अब 99% लोग ये मेडिसिन तो ना ले सकते, ये सिर्फ मेडिसिन वो लोग लेते हैं या लेनी चाहिए जिनका मसला इतना ही एस्केलेट कर गया कि वो कोई क्लिनिकल लेवल तक पहुँच गए। उसके अलावा ये जितनी भी मेडिकेशन है इसको इसलिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोई दो तीन चार दिन की बात नहीं होती, ये फिर आपको साल खानी पड़ती है अगर आप इस दफ़ा
इस पे किसी एक्सटर्नल साल्ट पे डिपेंड कर लें। तो सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर डिपेंड करें। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो आप अपने माइंड से ही उस स्ट्रेस से निकलें। आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी स्लीप बेहतर कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपनी कोई जो डाइट आप ठीक कर सकते हैं, और खास तौर पे अपना थॉट पैटर्न चेंज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे ज्यादातर जो स्ट्रेस होती है ना, वो नो डाउट के एक्सटर्नल फैक्टर तो होते हैं स्ट्रेस में, लेकिन उसमें ना बाज़ औक़ात हमारा माइंड का भी बड़ा रोल होता है। हाँ जी, छोटे से बात को हम ना वो एग्जैजरेट करके उसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, वो फिर वो मसला इतना उस जिस वजह से मसला होता है ना वो इतना नुकसान नहीं करती। वो जो हम अपने ऊपर स्ट्रेस सवार कर लेते हैं, टेंशन सवार कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि वो हमारे सारे हमें फिजिकली भी इल कर देती है और हम मुख्तलिफ बीमारियों लग जाते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से आपने खाने की और एक्सरसाइज की बात की, कितने दोनों जो की फैक्टर आप कह लें कि हम ले सकते हैं, कि हम स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं दोनों चीज़ों के? जी बिल्कुल, सबसे पहले एक नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल से स्ट्रेस को कोप किया जा सकता है। एक तो इसमें सबसे पहले बैलेंस डाइट आ गई, और उसके बाद आपकी जो माइल्ड एक्सरसाइज, इवन वॉक भी जो है, कुछ 10 मिनट भी अगर आप वॉक कर लें तो वो भी आपकी स्ट्रेस को रिलीव करती है। अच्छा, उसके बाद इससे हटके हेल्दी लाइफ पैटर्न, जैसे हम अपने सोशल हो सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि आइसोलेशन भी बहुत है लोगों में, आइसोलेशन का भी हम शिकार है। होता ये है कि सारा दिन एक शख्स लोगों में घिरा रहता है, लेकिन अगर उससे पूछें क्या कोई दुनिया में एक बंदा है जिससे अपने दिल की बात बिल्कुल खोल के कर लो, तो शायरी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आप देखें कि लोग इतने अकेले हो गए। अच्छा, आप ये अपनी सोशल लाइफ जो है इसको बेहतर बनाना, ये भी आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगी। और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल की बात कह देनी चाहिए, अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। और बिल्कुल, और दूसरी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने माइंड को खुद ज़रा ट्रेन करें। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना आदत बन गई है स्ट्रेस लेते रहने की। कोई मसला हुआ, उसको हमने एक माइंड में एक मेकअप बना लिया कि उसको हम पकड़ के बैठ गए, सोचते रहे और वो प्रॉब्लम बड़ी कर ली। हमें ज़रा थोड़ा सा लाइट अपने आप को करना चाहिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और रियलिस्टिक वे में। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जब हमारी एक आदतें ऐसी बन गई हैं, जहनी आदतें, कि वो हम कहते हैं कि बस अब आर है या पार, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं चीज़ों के मामले में। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज़रा अपने आप को खुद कंट्रोल करना चाहिए। और माइंड जो है हमारा, वो आप बताओ कि वो सबसे ज़्यादा आपका बड़ा दोस्त भी है और एट द सेम टाइम आपका दुश्मन भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये पूछेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रेस को मैनेज भी तो किसी तरह करना है, और ये बहुत बड़ी फील्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आमतौर पर कोई बंदा टेंशन ले रहा हो स्ट्रेस में, हमसे कहता है टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, तबीयत पर असर पड़ेगा, क्या कर। लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे जुमलों का, हम कहते रहें जो मर्जी करते रहें। अपने दिमाग को कुछ गेम्स में हम उलझा सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं कि हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाए किसी तरह से उन चीज़ों के अंदर। हम देखते हैं ख़ास तौर पे कि वेस्ट के अंदर बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब माइंड गेम्स तो एक तरफ रह जाती हैं, कोई वो हाथ में कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, उसको प्रेस करते रहते हैं, उससे भी उनको लगता है कि स्ट्रेस रिलीज हो रही है। ऐसा होता है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। सबसे जो फर्स्ट वाली बात है, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब कह देते हैं कि स्ट्रेस ना लो, इससे कहने से खास कोई खतर असर नहीं पड़ता। अगर किसी को कुछ है, ऐसी सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली वो तो स्ट्रेस लेगा ना, ये तो इम्पॉसिबल है कि वो बंदा स्ट्रेस ना ले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। अब दूसरी बात यह है कि इसको कैसे रिलीज किया जाए, ये जो आप बता रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट होता है। जी इसका इफेक्ट होता है, अगर हम कोई, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को सोशल एक्टिविटीज़ में करें, इन्वॉल्व करें, एक्सरसाइज, वॉक, और उसके अलावा गुड स्लीप, सोएं अच्छा, और अपने माइंड को इस तरह से ना ट्रेन करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम कहेंगे स्ट्रेस ना लो, तो ऐसे नहीं है, ह्यूमन माइंड इज नॉट अ मशीन। कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। डाइवर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ना प्रैक्टिस करें। आज करेंगे नहीं होगा, क्योंकि आदत डेवलप होगी ना स्ट्रेस लेने की, कल करेंगे, परसों करेंगे, ग्रेजुअली। ये भी ग्रेजुअली एक प्रोसेस है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। और उसमें यह है कि जब ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन को अगर कोई मसला आ जाए तो वो स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस हर शख्स नहीं लेनी है, उसको मैनेज करना, मैनेज करना है। और हमारी इसमें कामयाबी इसमें है कि आप कितनी अच्छी तरह उसको मैनेज और कोप कर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने, ये हर पानी का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों का मसला है, स्ट्रेस में जा रहे हैं। दुनिया भर में अगर हम देखें तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कम अज़ कम अपनी परेशानी को सबसे पहले तो आपने खुद ही देखना है कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मसले का हल ज़्यादा परेशानी से नहीं, अपने आप को रिलैक्स रख। आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम के हवाले से बात करेंगे कि मुल्क का मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़हीर अहमद बाबर साहब, डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर महकमे मौसमियात हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, अब वीकेंड है, लोगों ने कुछ ट्रैवल भी करना होता है, फिर मानसून की हवाएँ कह रहे हैं कि असर अंदाज हो रही हैं, कैसा मौसम रहेगा? जी वालेकुम अस्सलाम,
मुल्क के शुमाली हिस्सों में तो इस वक्त मौसम खुश्क है, मतलब साफ है, और दूसरे मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त हफ्स की कैफियत बरकरार रहेगी। लेकिन मानसून की जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जो ज्यादा शिद्दत है, वो साउथ ईस्टर्न सिंध में ज्यादा है। पिथरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, छठा, इस्लामपुर, तमाम इलाके। इसी तरह कराची में भी आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उनमें ज़्यादातर खुश्क रहेगा। लेकिन आज शाम या रात के वक्त सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला, इसी तरह भावलपुर और भावलनगर डिवीजन में चलने के मुकाम पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अच्छा ज़हीर साहब, आप क्या समझते हैं, इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से कम रही हैं? जी, जुलाई के महीने में तो, और अगस्त में अगर ओवरऑल देखा जाए, ख़ासतौर पर अगस्त में थोड़ी सी जो है वो मामूल से कम रही थी। लेकिन अभी भी मानसून सीज़न जो है वो रहता है मिड सेप्टेम्बर तक, और ऑलमोस्ट कुछ हिस्सों में सेप्टेम्बर के एंड तक तो मानसून बारिशें जो है दाखिल होती रहती हैं। और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिशों का तो है, ख़ासतौर पर मुल्क बालाई हिस्सों। ठीक है ज़हीर साहब, वैसे अभी बड़ा कबलज़ वक्त हो जाएगा, लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये जानना चाहते हैं, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, रावलपिंडी में मैचेस हैं, फिर लाहौर में मैचेस हैं, उन मैचेस के दौरान कोई बारिश की पेशगोई अभी तक तो नहीं है? अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो शायद आपने तो कुछ चेक करने की कोशिश की होगी। थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड हो जाता है तो, लेकिन यह है कि मिड सेप्टेम्बर के बाद इंशाल्लाह वेदर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, और अक्टूबर के महीने में जो है वो ड्राइस्ट मंथ होता है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने के मिलेगी और वेदर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलें, ये आज की अच्छी खबर है, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर बाबर साहब। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, तो वैसे मौसम बता दिया उन्होंने वीकेंड पे कैसा रहेगा खासतौर पे, और मानसून बारिशें कम हुई हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त है, हो सकता है कि शायद भी ये जो है ना ये मानसून का सीज़न जो अभी तो जारी रहेगा मिड सितंबर तक। अच्छा, हमने एक अच्छी खबर तो क्रिकेट शायकीन के साथ शेयर की है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, उम्मीद यही की जा रही है, और एक और बहुत अच्छी खबर है। हाँ जी, पैरालंपिक्स जो है ना उसमें पाकिस्तान के हैदर अली जो है उन्होंने तारीख रकम की और गोल्ड मेडल जो है उन्होंने जीत लिया। पाकिस्तानी हैं ये जिन्होंने गोल्ड जीता है, पाकिस्तान के हैदर अली ने। दुआएं कर रहे होते हैं कि गोल्ड मेडल आए, हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो हम उसमें क्या दुआएं करते हैं कि गोल्ड मेडल कोई आ जाए, चलो ब्रॉन्ज ही आ जाए, लेकिन अब देखें कि गोल्ड मेडल आगे पैरालंपिक्स में। पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स डिस्कस थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता, और हैदर अली ने तीसरी बारी में अगर हम देखें 47.84 मीटर की थ्रो की, जबकि पांचवीं बारी की हम बात करें तो 55.26 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है, और वहां पर पाकिस्तान का तराना। ज़बरदस्त, हैदर अली जो है पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले, जिसने से हमने पहले बताया पहले पाकिस्तानी, और हैदर अली ने इससे कबल अगर बात करें हमारे हीरो नहीं तो हमारे हीरो की आप शक्ल इस वक्त देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सब जलाली परचम, क्या बात है, ये इससे फख्र मतलब इंसान को क्या हो सकता है। ये आप जो है फाइनल देख सकते हैं कि जब वो सबसे ऊपर हैं, आगे पाकिस्तान का झंडा है और फिर वो गोल्ड दिखा रहे हैं। हाँ जी, और फिर जिस तरह से वो झंडा लेके घूमे हैं ना, वो जो एक होता है ना आप देखें ग्राउंड में, वो चीज़ होती है वो हमेशा से दिल को सुकून उसको मिलता है इसको देख के, कि जिस तरह से पाकिस्तानी परचम अगर लहराया जा रहा है और गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद, तो ज़बरदस्त। अच्छा, हैदर अली ने इससे कबल भी पाकिस्तान के लिए 2 पैरालंपिक्स मेडल जीत रखे हैं, ये पहला गोल्ड मेडल उनका भी है पैरालंपिक्स के अंदर, और ये पाकिस्तान का भी पहला गोल्ड मेडल है। बहुत ज़्यादा उनको मुबारक हो, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को मुबारक हो, पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है वो फख्र बुलंद किया है, और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की, सब जलाली परचम की क्या ही बात है उस। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं किसी तरह की जो अच्छी खबरें हैं वो पाकिस्तान से मुतालिक दुनिया भर से हमें आती रहें। हाँ जी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।